नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी शर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में हाल ही में संशोधन किए गए हैं और उसके बाद बार के चुनाव की तारीख भी घोषित कर दी गई है, और इसी क्रम में अब सभी नेता लोग जो अधिवक्ता हैं अपने पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं अध्यक्ष पद के तैयारी कर रहे प्रत्याशी अतुल पांडे जी, जिनसे हम बात करेंगे उनके बार के बारे में और उनकी तैयारी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे मनोज तिवारी टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हाल ही में जो बार के एसोसिएशन में वर्तमान अध्यक्ष आर के ओझा जी ने संशोधन किया है, उससे लोगों को लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन आपने उसका विरोध किया, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मैं पिछले बार भी प्रत्याशी था। मैं युवा सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। 1866 का ये हाईकोर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। चार से या पांच मेरे बड़े भाई हर बार लड़ते हैं, और जो युवा हमारा है, जो आम परिवार का अधिवक्ता है, वो आज तक वो पीड़ित होते चले आ रहे हैं। उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आया हूँ युवा अधिवक्ताओं के बल पर। जहाँ तक बात है बाइलाज में संशोधन की, तो बाइलाज में जो संशोधन हुआ है, कुछ मुद्दों पे मेरी आपत्ति थी, उसको मैंने दर्ज करा दिया, और कुछ मुद्दों पे मेरी सहमति थी जिसको मैंने तहे दिल से स्वागत किया। सर, मेरा सवाल कुछ तीन संशोधनों पर आधारित है। जैसे कि पहला जो सवाल मेरा ये है कि 25 मुकदमा दाखिल करना अब जरूरी हो गया है, वही अधिवक्ता लोग अब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या ये नेचुरल लॉ के खिलाफ नहीं है? देखिए, क्योंकि ये हाई कोर्ट है जी, न्याय की अवधारणा मुख्य केंद्र बिंदु है। अगर आप हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं, तो इस बात का कैसे निर्धारण होगा कि आप हाईकोर्ट में रेगुलर पिटिशनर हैं? इस बात का निर्धारण केवल केस के द्वारा ही हो सकता है, और इन मुद्दों पे मेरा पूर्ण समर्थन है कि जो हाईकोर्ट में आ रहा है, जो केस दाखिल कर रहा है, कम से कम वो ही चुनाव लड़े। अन्यथा ऐसा हो जाएगा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आएगा और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ने लगेगा, उससे दूरी बनाने के लिए बायलाज में ये संशोधन है। किंतु ये 25 केस की ही बात नहीं थी, कुछ कम भी किया जा सकता था। कुछ हमारे ऐसे अधिवक्तागण जिनके लिए 5 केस की बाउंडेशन लगाई गई है, अगर वो किन्हीं कारणवश बीमार रहे या और कुछ भी रहे, तो उनको भी वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सकता था। फिलहाल सुनने में आया है कि आपत्तियां मांगी जा रही हैं, जो लोग अपने कारण को बता रहे हैं उनको शामिल किया जा रहा है। सर, जो अभी तीसरा संशोधन पे मैं बात करूंगी कि अधिवक्ता निधि नीति जो आई है, उस पे आप कितना सहमत हैं? यह बहुत ही अच्छी निधि है, यह युवा अधिवक्ताओं के लिए बहुत अच्छा है। ये मेरे भी मन में विचार था जी, कि अगर मैं मैंने पिछली बार भी इन चीजों को बोला था, क्योंकि एक जो आम परिवार का अधिवक्ता आ रहा है, जो कॉमन अधिवक्ता है, जो नया अधिवक्ता है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसका तो मैंने बहुत समर्थन किया। और मेरे भी मन में था, कई कार्यकारिणी हाईकोर्ट की आई जो चाहती थी कि मैं ऐसी चीज़ों को करूं, हो सकता है वो प्रस्ताव लाए हों, कार्यकाल चला गया हो या और कोई बाधाएँ हों, इस चीज़ का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ। जो अधिवक्ता निधि की व्यवस्था हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा नए बाइलाज में की गई है। सर, जो नई कार्यकारिणी होगी वो जो अभी संशोधनों से असहमत है, मतलब, तो वो उसमें संशोधन करेगी या फिर इसी को आगे बढ़ाएगी? अगर मैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बना, तो जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वह अनवरत चलती रहेंगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। सर, अगर आप अध्यक्ष पद के लिए तैयारी कर रहे हैं मैदान में, तो आपने कई सारे मुद्दे सोचे होंगे, तो कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप बताना चाहेंगे? मेरा जो पहला मुद्दा है, इस हाईकोर्ट अपने उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में, युवा सम्मान का मुद्दा है। आज हमारा युवा पीड़ित होता चला जा रहा है, आम अधिवक्ता पीड़ित होता चला जा रहा है, उसका कोई नहीं है। बड़े लोग आते हैं, चुनाव जीतते हैं, साल भर रहते हैं, ये कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। मेरा है कि अगर मैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बना,
तो युवा सम्मान जिंदा रहेगा, युवा हर युवा अधिवक्ता प्रेसिडेंट रहेगा, हर युवा अधिवक्ता प्रेसिडेंट रहेगा। सर एक समस्या है कि एक बार जब कोई मुकदमा लिस्ट हो जाता है तो वो दोबारा कब लिस्ट होगा? इसका जो प्रोसेस रहता है काफी टाइम टेकिंग हो जाता है, तो इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, आप इस समस्या का कैसे समाधान करेंगे? देखिए जो लिस्टिंग की समस्या है जी। अभी विगत दिनों कोरोना के बाद से जो सिस्टम है थोड़ा सा ऐसा हो गया, जो भी NIC सिस्टम है जैसे भी है, और लिस्टिंग की समस्या शुरू से है और ऐसी समस्या है कि इसको दूर करने का बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और जैसे कि आज जो भी केस लगे वो आते रहें और आते रहें और टेकअप नहीं हो रहा है। मान लीजिए आज आपका केस 100 नंबर पे लगा तो कल वो कम से कम 50 या 60 नंबर पे लगना चाहिए, लेकिन वो केस आपका जो है फिर वो 250 से 300 नंबर पे चला जा रहा है। तो जो भी इसमें प्रॉब्लम है जैसे भी है, अपने सीनियर से, अधिवक्ता भाइयों से राय लेके माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय से मिलकर लिस्टिंग की समस्या का हल किया जाएगा। यह युवा अधिवक्ता के लिए सबसे बड़ी समस्या है। सर जो है कहा जाता है कि बार और बेंच का सामंजस्य नहीं हो पाता है, तो आप इसका क्या कारण मानते हैं? जबकि बार और बेंच के सामंजस्य की काफी ज्यादा जरूरत है, और अगर आप अध्यक्ष चुने जाते हैं तो आप इसका समाधान कैसे करेंगे? देखिए बार और बेंच दोनों रथ के दो पहिए हैं जी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी बार से आप गए, आपका वहाँ भी सम्मान है, यहाँ भी सम्मान रहा, आप वहाँ गए तो आप भी यहाँ सम्मान कर रहे हैं। तो यही प्रयास रहेगा कि दोनों में बहुत अंतर नहीं है, बार और बेंच जो भी हैं एक दूसरे का दोनों को सम्मान करना पड़ेगा और यह व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। थोड़ा सा विगत दिनों में जो भी समस्या इस तरह की आई हैं उनको सबसे बात करके हल किया जाए। सर कहा जाता है कि जो बार के चुनाव रहते हैं इसमें अधिवक्ता लोग 50 या 50 लाख से ज़्यादा भी खर्च कर देते हैं, तो ऐसे में क्या इसकी रिकवरी हो पाती है उसी तरह से? देखिए मैंने तो देखा, मैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में गवर्निंग काउंसिल सदस्य रहा, संयुक्त सचिव प्रेस रहा, ऐतिहासिक डायरेक्टिव पहली बार फोटोयुक्त मोबाइल नंबर सहित मैंने बनवाया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का अपने युवा अधिवक्ताओं के बल पर आशीर्वाद से मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा और मैं पिछला अध्यक्ष का चुनाव लड़ा हूँ। मुझे तो लगता है कि मेरा कुछ नहीं खर्च होता है और मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है, मैं काम करता रहता हूँ और मैं जीतता रहता हूँ। और मेरी भी वकालत 23 साल की हो गई है, बहुत पैसे वाले आए लेकिन एक एक पद पे वो 8-8 बार 9-9 बार हारे। तो पैसे का कोई महत्व नहीं है, हमारा अधिवक्ता भाई जो है बहुत डबल ग्रेजुएट हैं, वो अपने ऐसे ही प्रतिनिधि को चुनाव जिताने का प्रयास करते हैं जो बार के लिए अच्छा हो, उनके लिए अच्छा। सर आप एक युवा अधिवक्ता हैं, तो ऐसे में आप युवा अधिवक्ताओं या फिर कनिष्ठ अधिवक्ताओं की क्या समस्या देखते हैं? देखिए यह युवा सम्मान की लड़ाई है। आप जान लीजिए मैं 23 वर्ष से इस हाईकोर्ट में देख रहा हूं कि अगर एक अधिवक्ता, आम परिवार का अधिवक्ता, कामन अधिवक्ता, भगवान न करे वो घायल हो जाए। मैंने अपनी इन दोनों आंखों से देखा, कई बार पद होल्ड किया, मैं गया देखा सुना कि मेडिकल कॉलेज में वकील को भर्ती कर दिया गया, 3 दिन तक आला लगाए वार्ड बॉय टाइप डॉक्टर साहब देखते रहे, 4th दिन बार ने कुछ पैसा भिजवाया, पदाधिकारी महोदय ने फोटो खिंचवाया और 5वें दिन हमारे प्यारे अधिवक्ता की बॉडी रसूलाबाद घाट पे मिली है। मुझे दर्द होता है इन सब चीज़ों को सोच के। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना तो हर अपने अधिवक्ता भाई के लिए PGI और एम्स में सुविधा मुहैया कराऊंगा। इलाहाबाद की सारी सड़कें खाली हो जाएंगी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपने भाई को ले जाने के लिए, और जैसे ही माननीय न्यायाधीश गणों का इलाज होता है उनके लिए विशेष कोटा निर्धारित है। अगर हम रथ के दो पहिए हैं उसी तरह हर युवा अधिवक्ता, हर कामन अधिवक्ता, हर अपने अधिवक्ता भाई का इलाज होगा, सरकार से बात होगी। और उनके लिए मेरे मन में ये भी है कि हर अधिवक्ता का कम से कम 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का बीमा हो, और यही मेरी बातें हैं स्वास्थ्य के संबंध में। सर जैसा कि आपने कहा एक आम अधिवक्ता अगर घायल हो जाता है
तो उसके लिए वर्तमान समय में बार एसोसिएशन ने क्या व्यवस्था कर रखी है और अगर आप अध्यक्ष चुने जाते हैं तो उनसे हटके क्या कदम उठाएंगे आप? वर्तमान समय में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। 75 जिले का हाईकोर्ट, 1866 में माननीय उच्च न्यायालय बना हुआ जी। क्यों ऐसा हो रहा है? एक एम्बुलेंस को बुलाइए। स्वरूप रानी अस्पताल में वकील साहब गए और इधर से उधर, फिर उनकी मौत हो जा रही है दवा के उपचार सही ढंग से न मिलने पर। हमारा ये कहना है कि अगर मैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना जी। तो हाईकोर्ट का जो यह अस्पताल है बहुत अच्छा होगा। दिव्य से दिव्यतम आधुनिक सुविधाएं मेडिकल की हमारे माननीय उच्च न्यायालय के अस्पताल में रहेंगी। इसके लिए चाहे सरकार से बात करनी हो, मुख्य न्यायाधिपति से बात करनी हो, देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से बात करनी हो और उच्च पदस्थ जहां भी बात करनी होगी बात होगी। कोई भी अधिवक्ता दवा के अभाव में नहीं रह जाएगा, यह मेरा वचन है। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अधिवक्ता जो है कोर्ट का अफसर होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कई बार कि अधिवक्ता लोग अन्य किसी कामों में शामिल होते हैं अपनी वकालत को छोड़कर, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस पर रोक लगा देनी चाहिए? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेरा यह कहना है कि जो अधिवक्ता होगा वह और किसी काम में रहेगा ही नहीं जी। क्योंकि मैं अपने को जानता हूं, 9:30 बजे मैं कोर्ट आ गया और 4:00-5:00 बजे तक मैं रहा, तो हमें फिर शाम को चैम्बर में बैठा, तो जरा सा यह फुर्सत नहीं होता है कि क्या करूं क्या ना करूं कैसे है। तो जिसके पास अगर फुर्सत हो और कोई और वो व्यवसाय कर रहा है, तो इसके लिए हमारे लिए संस्थाएं बनी है, बार काउंसिल बना है, हमारा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है और इन्हीं सबको रोकने के लिए यह बैलाज भी आया है जिसकी मैं प्रशंसा कर रहा हूँ। सर, आप अपना प्रतिद्वंदी कैसे मानते हैं, अशोक सिंह, अनिल तिवारी या फिर आईके चतुर्वेदी या फिर किसी और को? देखिए, मैं तो अपने युवा अधिवक्ताओं के बल पे चुनाव लड़ रहा हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद चाह रहा हूँ और मैं किसको प्रतिद्वंदी मानूं, क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ कि हर युवा प्रेसिडेंट होंगे, हर युवा प्रेसिडेंट होंगे, वो जैसा कहेंगे जैसा बार चलाएंगे बार चलती रहेगी। और जिन बड़े भाइयों का आप नाम ले रही हैं वो लोग हमसे बड़े हैं, वो लोग प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, लेकिन उनसे हट के मेरे मन में एक युवा दर्द है। उस दर्द के नाते मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्वेश्चन यही है, यही लोग पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि एक युवा क्यों आया हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष लड़ने। तो आप खुद पूछ लीजिए, अधिवक्ता पुल के नीचे बैठ रहा है, अधिवक्ता के पास मेज और कुर्सी नहीं है, अधिवक्ता स्वरूप रानी अस्पताल में जा रहा, 3 दिन बाद बॉय देख रहा, 4th दिन बाद कुछ भेज रही है, 5वें दिन रसूलाबाद घाट पे उनकी बाड़ी है, कोई बात हो जाए अधिवक्ता का कोई सहारा नहीं। मैं पद पे नहीं हूँ तब भी जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ, पद पे रहूँगा तो पावर मिल जाएगा, फिर यह कार्यकारिणी जिस कार्यकारिणी में मैं रहूंगा अध्यक्ष, वह कार्यकारिणी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यकारी के रूप में जानी जाएगी। युवा सम्मान जीवित रहेगा, युवाओं की लड़ाई लड़ी जाएगी, युवा की आवाज़ देश तक पहुंचाई जाएगी। आप बताइए, एक प्रश्न और उठता है, हमारा युवा आया इलाहाबाद में तैयारी करने, हाईकोर्ट आने लगा, कहीं मकान नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। अभी सरकार कह रही थी कि इन माफियाओं से जो जमीन खाली हुई है हम देंगे, आप पत्रकार भाइयों को भी देंगे, अधिवक्ता बंधुओं को भी देंगे और भी समाज के ऐसे जो लोग हैं उनको देंगे। हो सकता है सरकार के स्तर का बात है, लेकिन अगर मैं प्रेसिडेंट हुआ तो मैं सरकार को इस बात को याद दिलाऊंगा कि इतनी ज़मीनें हैं, अगर आप 100-100 वर्ग गज 200-200 वर्ग गज अगर अधिवक्ताओं में बांट दें, जिस तरह आपने बहुत लोगों को दिया है कुछ कम दाम में जैसे भी है और सब, तो हमारे हर अधिवक्ता के पास आवास हो जाएगा। PGI एम्स में कोटा निर्धारित करा दीजिए अधिवक्ता का और अधिवक्ता के परिवार का, हो जाएगा। तो हमारी बहुत मन में ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे आ गया अध्यक्ष लड़ने, मैं भी गवर्निंग से वाइस प्रेसिडेंट तक रहा, लेकिन मेरे मन में वही युवा दर्द है, युवा सम्मान है कि कैसे इन लोगों ने बड़े भाइयों ने वोट लिया,
कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कोई सीनियर एडवोकेट बन गए, कोई अपनी वकालत चमकाए। मैं आपके मंच से यह कहना चाहता हूं कि मैं जब तक रहूंगा बार का प्रेसिडेंट, युवा ही बार चलाएंगे, युवा सम्मान जीवित रहेगा और डायस पे हर युवा का सम्मान रहेगा। युवा के खिलाफ कोई बात कहीं से की जाएगी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। सर, लेकिन ये भी देखा जाता है कई बार कि अधिवक्ता लोग जो हैं हड़ताल करते हैं, तो ऐसे में वादी प्रतिवादी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आपको ही लगता है इस पे रोक लगा देनी चाहिए? मैं तो जब से हूँ हाई कोर्ट में, मैंने कभी नहीं देखा कि अधिवक्ता कभी गलत कोई बात किए हों, हड़ताल किए हों। देखिए, यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अपनी बात को कहने का अधिकार सबको है। जब यह बात ऐसी हो जाती है, अधिवक्ता अपनी हड़ताल थोड़ा करता है, अधिवक्ता सामान्य जनमानस के लिए हड़ताल करता है, आम लोगों के लिए हड़ताल करता है। क्यों? क्योंकि जब हर आदमी पीड़ित हो जाता है तो वकील के पास ही आता है, और वकील ही चाहे जिस जरिए उनको न्याय दिलाने का प्रयास करता है, तो स्ट्राइक भी एक न्याय दिलाने का प्रयास है मेरे नॉलेज में। सर, क्या आप बार के विषय में या फिर अपने उद्देश्य के विषय में बताना चाहेंगे जो हम आपसे ना पूछ पाए? देखिए, सारे क्वेश्चन हो गए, मेरा यही कहना है, कुछ ऐसी बातें हैं जैसे हमारी महिला अधिवक्ता बहने हैं जी। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, बार एसोसिएशन के और सीनियर्स हैं सब जो भी हैं, जैसे भी हैं, लगभग 20 साल में 20 वर्ष बीत गए जी। मेरे नॉलेज में अगर कहीं इधर से उधर हो तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन 3 से 4 ही हमारी मातृशक्ति बहनों का नाम जुडिशरी में गया, माननीय उच्च न्यायालय में। अभी हमने देखा, माननीय CGI साहब ने भी अपने उसमें कहा, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी कहा कि कैसे अगर एक बहन महिला उच्च पद पे को प्राप्त करेंगी तो जिस तरह वो घर को बहुत अच्छा संभालती हैं और सब चीज, उसी तरह न्याय भी बहुत अच्छा देंगी। तो मेरा ये कहना है कि जुडिशरी में महिला अधिवक्ता बहनों का थोड़ा सा और विचार हो, और आम परिवार के जो अधिवक्ता हैं जी। आम परिवार जो आए संघर्ष करके तैयारी किए, जिनको IPC CRPC एविडेंस सब याद है, और मान लीजिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन वो आम परिवार के हैं, उनकी भी बात जानी चाहिए, उनके भी नामों पे विचार हो रहा है। मेरे मन से ये आवाज़ निकल रही है कि और भी विचार होना चाहिए, जुडिशरी में उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो आपने अपना कीमती समय देकर हमारे टॉक शो में भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो जैसा कि आप सबने देखा, आज हमारे साथ थे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अतुल पांडे जी, जिन्होंने हमें बताया कि यदि वो अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वो कैसे सभी अधिवक्ताओं की समस्याओं का निदान करेंगे, और अपने कर तैयारी के बारे में हमसे चर्चा की। ऐसे ही हम कई सारे गणमान्य लोगों के साथ मुलाकात करते रहेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा मनोज तिवारी टॉक शो। मैं हूँ साक्षी शर्मा, धन्यवाद।